पंजाब दे सियासी धरातल उपर पैर जमाउन लई बीजेपी दी नजर सिख वोट बैंक उपर है। 1984 सिख कतलेआम तो लैके सिख कौम नाल जुड़े हुए भावुक मुद्दे चुके जा रहे ने। जिवें ही पंजाब विच चोण प्रचार अपने आखिरी पड़ाव विच दाखल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे प्रमुख नेतावां जिवें कि पार्टी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा अते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नूं घेरन लई 1984 दे सिख विरोधी दंगिआं दा मुद्दा उठाया है। ऐतवार नूं अमित शाह ने लुधियाना विखे एक जनतक रैली नूं संबोधन करदे हुए कहा कि कांग्रेस पापी है क्योंकि इसने दंगियां लई जिम्मेदार लोकां नूं सजा नहीं दिती। अमित शाह ने कहा कि सिख कतलेआम नूं कोई भी नहीं भुला सकदा, मैं उस समय छोटा सी पर जदों भी मैनूं दंगियां दी याद आउंदी है तां मेरियां अक्खां विच हंझू आ जांदे ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं जवाब देना चाहीदा है, जिवें कि उन्हां दे समय दौरान दंगे होए सन जदों राजीव गांधी ने कहा सी कि जदों भी कोई वड्डा दरख्त डिगदा है तां जमीन कंबदी है। जमीन नहीं हिली पर कांग्रेस ने पाप कीता है, तुसीं कातलां खिलाफ कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां नूं SIT बना के सलाखां पिछे सुट दिता है। दंगा पीड़ितां नूं 5 लाख का मुआवजा दिता गया। अमित शाह हालांकि किसानां दे विरोध अते विवादित खेती कानून बारे बोलन तो बच गए, पर NDA सरकार द्वारा लियांदे गए किसान पक्षी अते सिख धर्म पक्षी फैसलियां नूं सूचीबद्ध कीता है। 84 में दंगे हुए, इतने साल कांग्रेस की सरकार चली, एक भी आदमी जेल में नहीं गया। मोदी जी ने आने के बाद SIT बनाई और जो कांग्रेस के नेताओं ने जघन्य कांड करे थे उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और सारे विक्टिम को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस तो अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अकाल तख्त साहिब विखे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल एक बंद कमरा च मीटिंग कीती। इस मीटिंग दौरान जथेदार वल्लों सिखां दे कई मुद्दे हल करन लई केंद्रीय गृह मंत्री कोल रखे गए। श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकन तों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री अकाल तख्त साहिब दे सकत्तरेत पहुंचे, जिथे उन्हां तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल करीब 45 मिनट लंबी मुलाकात कीती। इस मीटिंग दौरान दोवें आगू ही कमरे विच मौजूद सन। हालांकि अमित शाह दे नाल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कौमी घट गिनती कमीशन दे साबका चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा, दिल्ली कमेटी दे साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा अते तरुण चुग भी आए हुए सन, पर ओ सारे मीटिंग विच शामिल नहीं हुए। मीटिंग दे वेरवे जारी करदे हुए जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे हवाले नाल उन्हां दे निजी सहायक जसपाल सिंह ने दस्सिया कि इस मीटिंग विच जथेदार वल्लों सिखां दे कई मसले केंद्रीय गृह मंत्री कोल रखे गए सन, जिन्हां विच बंदी सिंघां दी रिहाई दा मामला भी शामिल है। जथेदार ने नीम फौजी वलां विच ग्रंथी दी एक पक्की असामी स्थापित करने लई भी अमित शाह नूं कहा। इस तों इलावा केंद्रीय गृह मंत्री नूं दस्सिया कि नीम फौजी वलां विच मौलवी दी पक्की असामी तां है पर ग्रंथी दी कोई भी असामी नहीं है, जिस कारण नीम फौजी वलां दे सिख जवान ही अपने तौर ते सारे प्रबंध करदे ने। जथेदार ने कहा कि मौलवी वांग ग्रंथी दी भी असामी पक्की कीती जावे। जथेदार ने उत्तराखंड स्थित गुरुद्वारा ज्ञानी गोदड़ी दा मुड़ निर्माण करन अते सिक्किम विच गुरुद्वारा चुंग थाम दा कब्जा सिख भाईचारे नूं सौंपण सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 तहत धारा 87 हेठ आउंदे गुरुद्वारां दे नोटिफिकेशन दे लड़क रहे काम नूं तुरंत पूरा करन दा मामला भी केंद्रीय गृह मंत्री कोल रख्या है। जसपाल सिंह ने दस्सिया कि केंद्रीय गृह मंत्री नाल चंगे माहौल विच मीटिंग होई अते उन्हां ने सिख मसलियां नूं विचारन अते इन्हां दा हल दा भरोसा दित्ता है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री नूं सन्मानित भी कीता गया। इस तो पहला केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया, उन्हां नूं सूचना केंद्र विच सूचना अधिकारी जसविंदर सिंह जस्सी वल्लों भी सन्मानित कीता गया। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।